स्वास्तिक के साथ मैं लगभग 4 साल से जुड़ा हुआ और शोज कर रहा हूँ, फिर बीच में हमारे गैप्स हुए सब चीज़ें, और राधा कृष्ण के लिए तो हमने 3 साल से वेट किया. तो इट्स अ रियली बिग अपॉर्चुनिटी, स्पेशली 3 साल से जो वेट है इट्स फिनिश्ड नाउ. तो इट्स रियली एक्साइटिंग, स्पेशली स्वास्तिक से मेरा हार्डली बॉन्ड है क्योंकि यहाँ से ही मेरी शुरुआत हुई थी. दैट्स व्हाई इट्स रियली इम्पोर्टेंट एंड इट्स लाइक माय घर का प्रमोशन, लाइक घर की सेलिब्रेशन. इट्स लाइक इट्स रियली गुड, इट्स सो अमेजिंग. अच्छा होना ही है क्योंकि जिस हिसाब से हमने मेहनत की है, जिस हिसाब से हर किसी ने मेहनत की है, तो बस लोग एक बार उसमें पहुंच जाएं, एक बार उसको देखना शुरू कर दें, यू कांट स्किप इवन अ सेकंड. दैट्स आई स्वास्तिक प्रोडक्शन की मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो लगती है वो है स्वास्तिक का म्यूजिक, क्योंकि म्यूज़िक ही नहीं, एक्चुअली हर एक चीज़ है, क्योंकि स्वास्तिक किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते. स्वास्तिक ऑलवेज मेक श्योर कि जो भी चीज़ वो करें वो हर चीज़ बेस्ट द बेस्ट. तो स्पेशली मुझे म्यूज़िक पसंद है, तो मुझे स्वास्तिक का जो म्यूज़िक हर शो में वो इन्वॉल्वमेंट रखते हैं वो चीज़ मुझे बहुत पसंद है. को मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ वॉच द शो एटलीस्ट वंस. आई एम श्योर आप स्किप नहीं कर पाओगे, यू विल वॉच टिल द एंड, ये मैं मेक श्योर करता हूँ. बट एटलीस्ट प्लीज कम एंड वॉच. थैंक यू सो मच. हासिल कर चुके हैं एंड आई फील रियली हैप्पी कि इतने अच्छे लोग जो बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं और लोगों से बहुत प्यार करते हैं, जो उनके साथ काम करते हैं उनसे उनके लिए हमेशा सपोर्टिव रहते हैं. आई फील वेरी वेरी हैप्पी दैट दे हैव अचीव दिस एंड दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग. स्वास्तिक इज़ गोइंग टू गो वे हाई. सबसे बड़ी क्वालिटी स्वास्तिक की है सिद्धार्थ. जिस तरह से सिद्धार्थ उनके साथ काम करने वालों को साथ लेकर चलते हैं, वो जब आप उनके साथ काम करते हैं तब आपको पता चलता है. सिद्धार्थ मेरे दोस्त भी हैं बहुत अच्छे और मेरे प्रोड्यूसर भी, लेकिन जिनके वो सिर्फ बॉस हैं वो उनसे इतना प्यार करते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा कि क्या वजह है कि लोग उनसे हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं. आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने एक ही एपिसोड नहीं देखा है. Not really. This is the first time I'm an alien to the season. I don't even know who, like the whole list of the participants. I only know 2-3 names. So I really have no idea what's happening in the house. I have not seen the episode. Well, it's his personal life and I think there is no right, we have no right to talk about somebody's personal life and their personal choice. But I am nobody to comment on that. मैं बहुत ही साधारण तरह से तैयार होने में विश्वास रखती हूँ, बिकॉज आई फील कि अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप ज़्यादा इंजॉय करते हैं. सो आई ऑलवेज कीप माई कम्फर्ट इन माइंड. आई एम जस्ट वेयरिंग अ प्लेन सिंपल ड्रेस एंड आई एम हियर टू एंजॉय द पार्टी. सो बी कम्फर्टेबल. या hopefully very soon. Yeah. Is the TV there or something else? See, talks are going on. Mostly TV will be earlier.
मैं सबसे पहले तो मिस्टर सिद्धार्थ तिवारी और मिस्टर राहुल तिवारी को मुबारकबाद देना चाहूँगा। 11 साल उन्होंने कंप्लीट किए हैं और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 11 साल कैसे कंप्लीट किए, क्योंकि क्या है कि सभी प्रोडक्शन हाउसेस बोलते हैं यू नो दे जस्ट कीप वर्किंग एंड ऑल दैट, बट दे हैव बीन डूइंग अ डिफरेंट शोज इतने सालों में, और मेरे ख्याल से इट्स बीन फॉर मी ऑल्सो इट्स लाइक 18 ईयर्स नाउ इन द इंडस्ट्री। So I remember I've seen him in 2005 or something like that, and we have met initially. So uske baad se I've seen his growth and different shows, jaise Amar Dhara I remember he made. After that, you know, Mata Ki Chowki. So the association is old, and I've been with him in touch. But finally, hum log ne Boris mein kaam kiya. So I also want to thank him for this opportunity what we did in Boris, and ye bahut badi cheez thi because Boris is also a different subject, kyunki you know risk lena, because a lot of people make same kind of you know shows, ek saas bahu chala to follow kiya ya koi bhi cheez jo chal gayi to chal gayi, but he did something really different and I hats off to him. In spite of so much of pressure, he never takes pressure, maybe he doesn't show it, but that's amazing, that's really important. Again, it's going to be different because I remember when we were doing Porus, when we started, so this was in the pipeline, and they have really worked on the details. That's what I know, because remember talking to him about this show. So in the detailing, like, you know, I mean, obviously these are the mythological, so you can't have a you know the typical storyline, you can still have your opinion and your point of view in anything. So whether it's from Krishna's point of view, ya Vasudev, ya you know Devki, whatever, so they have worked on that, and obviously visuals are going to be also effective, so I'm also looking forward to seeing the show, I'm sure. Yep, thank you, all the best. सारे एक्टर्स, बहुत सारे डायरेक्टर्स, बहुत सारे शोज, बहुत कुछ बनाया है, एंड मुझे लगता है कि आगे बस इसमें जीरो ऐड होता जाए और बहुत ऐसे ही साल बीतते जाए। स्वास्तिक मेरा घर है, स्वास्तिक से मैं बनी हूँ, और मुझे याद है कि मेरी ज़िंदगी का पहला बड़ा हिट शो अगले जन्म मोहि बिटिया ही जो स्वास्तिक से था। इट्स लाइक अ होम, मैं मुंबई में हूँ तो मुझे कभी लगता नहीं है कि मैं अपने घर से दूर हूँ बिकॉज ऑफ स्वास्तिक पिक्चर्स। बहुत होमली फीलिंग है, ऐसा लगता है घर में हो आपके, पर बहुत अप्रोचेबल है सिद्धार्थ, तो हमेशा ऐसा लगता नहीं कि प्रोड्यूसर की तरह बिहेव करते हैं, वो एक फैमिली मेम्बर की तरह है, कुछ भी परेशानी हो, एक्चुअली स्वास्थ्य में परेशानी तो होती ही नहीं है पहली बात, लेकिन अगर कुछ चाहिए छुट्टी हो या कुछ चेंजेस हो, हर चीज़ बहुत ही ईजी होता है। मैंने नहीं फॉलो किया है, मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ हमेशा से डिफ़िकल्ट शो लगता है, वहाँ जो भी है मुझे लगता है कि बस शो समझकर ही खेलें, वो लाइफ नहीं है, बस किसी तरीके से बिना यू नो मेंटल ट्रॉमा के निकल आए बाहर, बाकी कुछ नहीं जी। इज सच अ नाइस ह्यूमन बीइंग, मैंने बस एक झलक देखा है और मैं बहुत सुन नहीं पाई कि क्या है उनकी कहानी, लेकिन मुझे अच्छे लगे, दोनों जेन्युइन लग रहे हैं, आई मीन कुछ ऐसा उटपटांग स्क्रीन के लिए नहीं लग रहा, और उटपटांग मैं इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है कि बड़ी एज का कोई हो और छोटी एज की लड़की, ये जेन्युइन होता है, और ठीक है लाइकिंग है अगर जेन्युइन है सच में। नो आइडिया, मतलब साल तो नहीं दिखूंगी ये कंफर्म है, मैं दिसंबर तक नहीं दिखने वाली हूँ, ये प्लान गैप था, अगले साल कुछ भी करती हुई दिख सकती हूँ, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, कुछ जो चाह रही हूँ, कुछ अच्छा वेब मुझे पसंद है संभाव। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
Siddharth Kumar Tiwari, Rahul Kumar Tiwari and the entire Swastik production for completing 11 years in television industry. मेरा ये मानना है कि एक और एक दो नहीं होता, एक और एक 11 होता, 11 ये और सिद्धार्थ कुमार तिवारी और राहुल कुमार तिवारी एक और एक, ये भी दोनों दो नहीं होते, ये 11 होते। तो जहाँ चार के हो, वहाँ इंडस्ट्री के सामने, इन लोगों के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। I was very fortunate enough that I did a show with them called Kam Pal Data Shani. I always wanted to work with this production house. और काम करने के बाद पता चला कि क्यों actors जो हैं इन लोगों के साथ काम करना चाहते हैं. Very professional and content-wise बहुत strong होते हैं. And I feel I was very lucky to be part of this show. Actually. On my way only, it just struck in my mind because my outfit jo Shani mein tha wo pura black tha aur abhi realize aate waqt hua ki even today also I am wearing the complete black, but I think black has always been a very lucky color for me aur yeah, that's it. See, after Shani there are a couple of offers which are on talks going on right now. But I just can't do anything and everything, so I have to be a bit choosy about my work, which I've always been. It's going to be TV only for sure. So talks are going on, and I hope jal se jal jo hai, I'll sign my new show, and I'll be in front of you guys. Thanks.